चपी चीप रोजी डिंपल चीप डिंपल चीन चीप के बाद चीन ठीक है ना। और फिर से बोलो रोजी रेस रोजी लिप्स रोजी लिप्स हाँ टीथ विदिन टीथ विदिन हाँ कर्ली हेयर कर्ली हेयर वेरी फेयर वेरी फेयर आईज आर ब्लू आईज आर ब्लू लवली टू लवली टू टीचर्स पेट टीचर पेट इज दैट यू इज दैट तो तुमने कहाँ सुना ये तो मैंने ही सुना दिया। हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिर से मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, एकदम सुबह नहीं बोल सकती क्योंकि मिठी के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। 8:15 से मैं इसको तैयारी करवा रही थी, जो राइम्स याद करना था उसका, मतलब कल भी करवाई थी और मतलब याद अच्छे से नहीं हुआ था तो आज भी करवा रही हूँ। एक्चुअली कल इसको होमवर्क में यही मिला था तो कल मिला और आज सुनाना था। मैं सोच रही थी कि इसको याद करवा दूँ ताकि क्लास में तेज बनेगी तो अच्छा लगेगा। तो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा तैयारी करवाई, बहुत ज़्यादा याद करवाई और फाइनली हो ही गया। लगभग थोड़ा थोड़ा टूट जा रहा था लास्ट में, मतलब मैं जिस टाइम क्लिप ली उसके बाद भी 15 मिनट तक इसको रटाई थी और TV में भी वही लगा के दी थी। तो यहाँ पे ना देखो बाबू कैसे गाड़ी पर से अब आराम से उतर जाता है और गाड़ी को उधर धक्का देके हटा देता है। मतलब अब गाड़ी पे पता नहीं क्यों बैठना नहीं चाहता है, इसको लगता है कि हम लोग अपना काम करवाना चाहते हैं तो इसको गाड़ी पे बैठा देते हैं। देखो गाड़ी को लेके उधर धक्का दे दिया और आराम से ये रेलिंग पे फिर से देखेगा मम्मा इधर उधर बिजी हो गई तो कुछ भी अपना बदमाशी करेगा। तो ये सुबह का क्लिप है, मैं फिर से बार बार उसको उसी पे बैठा रही हूँ कि गाड़ी चलाना सीखे तो थोड़ा सा गाड़ी चलाने में इसका मन कहीं लगेगा तो थोड़ा टाइम देगा, ना ज़्यादा तो आधा घंटा ही सही मेरा काम निकल जाएगा। और आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा बेकार गया ना, मैं क्या बताऊँ, आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बेकार गया। मतलब सुबह में तो जैसे तैसे सब कुछ हो गया, मिट्टी के स्कूल जाने के बाद का मैं बता रही हूँ, ये मुझे थोड़ा भी छोड़ ही नहीं रहा था। और मेरा सर मतलब सर्दी मुझे भी हो रहा है, दोनों बच्चे को भी है और मुझे भी सर्दी की वजह से सर दर्द इतना हो रहा था, सर दर्द से फट रहा था और ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, इतना नहीं छोड़ रहा था कि मैं चाय बनाऊँ। और गोदी ले लेकर मैं चाय बनाई कैसे भी करके और फिर चाय पी, वो भी कैसे कैसे चाय पी ली, मतलब वो भी 9:45 के करीब में, जो आदमी 8 बजे तक कम से कम पी ले चाय 8:30 तक। और फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से सुलाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया। तो मैं सोची चलो फाइनली सो जाएगा तो मैं अपना काम करूँगी। उसके बाद सिर्फ चावल बना पाई, चावल बनाई, दाल सब्जी बचा ही रह गया मेन। और ऐसे कर करके मेरा ना समझो कि आज 2 बजे मैं खाना खाई हूँ, ये देखो अभी तक मैं नहाई नहीं हुई हूँ। ये पापा का वॉलेट छूट गया था, उसमें का सारा डेबिट क्रेडिट कार्ड को इधर उधर कर रहा है और मतलब पूरा इधर उधर कर रहा है, जो भी चीज़ इसको मिल रहा है पलंग के उधर जाकर फेंक दे रहा है। रिमोट नहीं मिलता है, वाइप्स नहीं मिलता है, मिक्स नहीं मिलता है, ईयरबड्स का वो नहीं मिलता है, जो भी ढूंढो अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो पलंग के पीछे देखो तो वो मिलेगा। शैतानी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नाम का पूरा असर पड़ता है। मैंने कृष्णा नाम रखा है, ज़्यादातर तो मैं कृष्णा ही बोलती हूँ और कृष्णा नाम रखने की वजह से ये नटखट हो गया है। कृष्णा पाती है बेटा। बैग में देख लो, गेट बंद कर दीजिए बेटा। बाप रे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, उधर वाले पे गेट बंद करना है बेटा। आज इतनी गर्मी के मौसम है, क्या करूं? ऐसे लगा दीजिए, किले लगा दीजिए बेटा। लगाया
तो मीठी के स्कूल जाने से लेकर के मीठी के स्कूल आने तक का टाइम हो गया। सोचो जो 8:30 से लेकर के 1 बजे आज आई है, आज लेट ही आई है। और तब तक मैं वैसे के वैसी ही हूँ, कृष्णा के साथ ही हूँ। और मैं मतलब कोई भी इंसान थक जाएगा यार, एक ही बच्चे के साथ वो आपको छोड़ भी नहीं रहा है, मतलब कि कितना आप रखोगे क्या। मतलब कभी कभी होता है ना कि चलो हम भी खाना खा चुके हैं या फिर हमारा भी सब कुछ हो चुका है तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ ना खाना मतलब एक प्रेशर है कि खाना बनाना है, एक आदमी ड्यूटी से भी आएंगे तो उनके लिए भी कम से कम टाइम पे हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 3 बजे तक भी नहीं खाना, उसे मुझे खुद भी सब कुछ अपना करना है, खाना खाना नहाना है सब कुछ करना है, तो ये छोड़ेगा तभी तो कुछ भी करूँगी। और फिर नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे कमजोरी सा आने लगता है, फिर संभालने की शक्ति भी तो होनी चाहिए, भूखे पेट आप कितना देर क्या करोगे, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं। इतनी ज़्यादा है ना क्या बताऊँ, देखो कैसी हालत हो रही है इसकी, पूरा बाल गीला है। और मेरा वैसा ही अभी तक हाल है जैसा सुबह में होता है, अभी लगभग 1:45 हो रहा है, 1:45 के बीच में आज लेट से आई मीठी। और मतलब कि आज सुबह से मैंने कुछ ब्लॉगिंग भी कुछ नहीं की क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, परेशान करने का मतलब रो नहीं रहा है, ये जाने नहीं दे रहा है, कहीं भी मैं जा रही हूँ जैसे इसको छोड़ के तो ये रोने लग रहा है इतना कि मैं वो काम नहीं कर सकती। और ना ही आज खाना अभी तक पूरा बनाई हूँ, खाना भी अभी तक कुछ बचा ही हुआ है, मतलब मेन सब्जी ही बचा हुआ है। तो अभी मैं, अब मीठी आ गई है तो थोड़ा इसके साथ ये खेलेगा, तो मैं जा रही हूँ जल्दी से फटाक से सब्जी में छौंक लगाऊंगी और जल्दी से नहाऊंगी, पूजा करूंगी, फ्री हो जाऊंगी। अभी तक मैं इसीलिए वीडियो भी कुछ नहीं ले रही थी कि मैं करूँ क्या, मतलब काम तो कर रही हूँ लेकिन कभी कभी कमज़ोर जैसा फील होने लगता है तो कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसे शॉर्ट्स वगैरह मैं बना रही थी, रील्स बना रही थी लेकिन वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। तो ये देखिए अभी भी आज इसको नहलाने वहलाने का भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं की मैं। कृष्णा बताओ क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे बताओ। गायब हो गया। नहीं बेटा दे दीजिए, उधर जाएगा तो फिर और परेशान करेगा, दे दीजिए। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। मैं अभी मीठी का ड्रेस चेंज करूंगी और उसके बाद फटाक से मैं सारा काम करूंगी। अब मीठी जब बाबू को रखेगी ना तब, है ना बेटा, मम्मा बाबू के साथ खेलोगी ना मम्मा। और स्कूल में आज किसी ने परेशान किया? मेरा बाल खींचा जोर से। कौन? एक बच्चियो। क्या नाम है उसका? उसके भाई ने खींचा था। तो मैम को नहीं बताया? मैंने को बताया। तो क्या मैम बोली? मत करो ऐसा, ऐसा बोली मैम। डांट लगाई? हाँ डांट लगाई बहुत ज्यादा। और लंच फिनिश किया? हाँ पूरा। हाँ पक्का? हाँ पक्का। झूठ नहीं बोल रही हो ना? नहीं। चेक करूँ? हाँ ठीक है, तब खाई होगी तब नहीं चेक करूँगी। और राम सुनाई हो? सुनी है चप्पी चिक? हाँ हाँ हाँ। सुनाओ तो। चप्पी चिक, डिंपल, डिंपल चिन, रोजी लिप्स, हाँ, टीथ फिटिंग। बाबू इधर आओ बाबू। नो 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 नो। चलो इधर आओ। कर्ली हेयर, कर्ली हेयर, आईज आर ब्लू, लवली टू, लवली टू, टीचर पेट, इस्टर ड्यू, यस यस यस, गुड मिट्टी, अच्छा काम करके आई है। चलो आज शाम में पापा को बोलेंगे चॉकलेट लाने के लिए, ठीक है? वाव आज को मैं इतनी सारी चॉकलेट खाऊंगी। आज तुमको चॉकलेट मिलेगा क्योंकि तुम, और होमवर्क भी तो बनाना है। होमवर्क? हाँ मैंने को कुछ लिखा। आज मिला है होमवर्क? हाँ। तो उसको बनाना भी आता है ना? हाँ अभी अभी दिखाती हूँ। होमवर्क करना होगा, अभी मत दिखाओ, अभी मम्मा जा रही है लेट हो जाएगा, अभी बाद में दिखा देना। ओके बाबू फिर चला गया, हे भगवान ये लड़का भी ना, दिख 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 बाथरूम में जा रहा है। बाथरूम में जाओगे? बस यही इसका प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। लगा लो
इसमें लगा दो, इसमें लगा लो ना मम्मा। नहीं बेटू, मम्मा अब जा रही है, इसका सैतानी दिखा रही थी मैं, कैसा ये सैतानी करता है। हो गया रोना, रोना हो गया, फिर उधर ही जाएगा, रो के फिर उधर ही जाएगा, देखो मम्मा उसे पकड़ मत। गिर जाओ, गिरेगा ना तुम, फिर उधर ही जाएगा। उधर क्या है बेटा, छिछी है, छिछी है। तुम बाथरूम में क्या करने जाओगे? नो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। देखो फिर उधर ही जा रहा, फिर उधर ही जा रही है। मत जाओ ना, मत जाओ ना।